हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। और इन केस अगर आपको लेवल्स को नोट डाउन करने में कोई भी परेशानी आती है तो लेवल्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप जो है वहां पे भी लेवल्स को देख के नोट डाउन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आपको एचडीएफसी लिमिटेड। याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी डिस्कशन किया था, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था 2404 के लेवल के ऊपर जो है आपको यहाँ पे बाई करना है। आज यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था 2425 के लेवल के राउंड जो है स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा नीचे भी आने की कोशिश किया, बट उसके बाद जो है अगेन यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट हुआ और पूरा टाइम जो है ये स्टॉक आपको ऊपर की साइड ही यहाँ पे ट्रेड किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था, एक रेंज में यहाँ पे आपको 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पे जो है क्लियर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इस लेवल के ऊपर जो है क्लियर कंफर्टेबली स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोज दिया है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो इमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपको 2500 का लेवल। तो स्टॉक के पास अभी भी इजीली 50 पॉइंट मूव करने का स्पेस है, उसके बाद करेक्शन लेके स्टॉक जो है ऊपर की साइड मूव कर सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को वापस से हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाई करने के लिए ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाई कब करेंगे, 2462 के लेवल के ऊपर हम लोग यहां पे आपको बाई करेंगे। 2461.62 के लेवल के ऊपर जो हम लोग यहां पे आपको बाई करने वाले हैं। नीचे की साइड जो है वो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है यहां पे 2447 का। तो यहां पे 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। 2461 के ऊपर हम लोग बाई करने वाले हैं, 2447 का हम लोगों का नीचे की साइड स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट ऊपर की साइड जो पहला टारगेट रहेगा हम लोगों का 2475 का रहेगा, दूसरा टारगेट 2490 का रहेगा। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टॉक है एक्सिस बैंक। आज बहुत ही जबरदस्त यहां पे हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला था। इससे पहले याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपको, जब इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया था, मैंने आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टॉक को बाई करने के लिए रखा था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बना था, हॉल्ट कैंडल बना था, वापस से आज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड एक काफी अच्छा मोमेंटम कर सकता है, बहुत ही अच्छे आपको मोमेंटम में ये स्टॉक दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर से ICICI बैंक काफी आपको स्ट्रांग दिख रहा है, और ऊपर की साइड हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिस्कशन भी किया था, ऊपर की साइड 800 के पास जो है इस स्टॉक के पास नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। तो अभी भी 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट इजीली ये स्टॉक ऊपर की साइड आपको कर सकता है। तो हम लोग इस स्टॉक को भी यहाँ पे बाई साइड के लिए ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग बाई कब करने वाला है, 760 के लेवल के ऊपर। 760 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक यहां पे निकलता है इमीडिएटली हम लोग यहां पे आपको बाई करने वाले हैं। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 756 का, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट 765 रहेगा, दूसरा टारगेट 770 का रहेगा। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टॉक है माइंडट्री। अगेन अगर हम लोग माइंडट्री के डेली चार्ट पे डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे भी जो है स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है। नीचे से काफी अच्छा बेस बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को वंस अगेन यहाँ पे रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है ऊपर की साइड यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सा स्विंग बना है, और स्विंग आई के ऊपर जो है स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दे दिया है। ऊपर की साइड 3750 तक इजीली स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, जिसको भी फिल करने के लिए स्टॉक यहाँ पे आपको जा सकता है। तो इस वजह से इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए ही रखने वाले हैं।
यहाँ पे भी हम लोग बाई करेंगे। अगर देखेंगे मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो है स्टॉक कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे एक रेंज में ही ट्रेड किया है। तो जैसे ही यहाँ पे रेंज ब्रेक होता है इमीडिएटली हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 3626 के लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। 3629 मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3629 के लेवल के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। नीचे की साइड जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 3610 के नीचे के 3610 के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। तो 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। ऊपर की साइड हम लोगों का पहला टारगेट 3650 का रहेगा और दूसरा टारगेट हम लोगों का यहाँ पे 3675 का रहेगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टॉक है टाइटन। वंस अगेन अगर हम लोग इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये स्टॉक भी काफी अच्छे आपको मोमेंटम में दिख रहा है। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली जो है स्टॉक ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है। अभी भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है 2530-2550 के रेंज में है। स्टॉक के पास 50-60 पॉइंट अभी इजीली और ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे प्रीवियस 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आज ऊपर की साइड जाने का जरूर कोशिश किया था बट यहाँ पे जो है आपको नहीं जा पाया। बट अगेन यहाँ पे जो है हायर साइड पे इंक्लोज दिया है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ऊपर की साइड निकलता है तो यहाँ पे वापस से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे आपको बात करने वाले हैं तो मॉर्निंग सेशन से ही आपको काफी स्ट्रांग ये स्टॉक दिख रहा था। रिट्रेसमेंट जरूर हुआ है बट इस स्टॉक में बट ज्यादा रिट्रेसमेंट में नहीं देखने को मिला। और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जो है आपको सेकेंड हाफ में एक रेंज में ही स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ऊपर की साइड जैसे ही आपको 2475 का लेवल ब्रेक होता है हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे आपको बाय करेंगे। नीचे की साइड जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 2464 का, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा आपको 2486 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 2500 का। लास्ट स्टॉक है आपको एशियन पेंट। एशियन पेंट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रिवर्सल हम लोगों को आते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पे आपको हिट किया, 3500 के लेवल के राउंड जो है स्टॉक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और इसी लेवल के राउंड जो है स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको रैली किया। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2600 से आपको कहीं पे भी मेजर करेक्शन नहीं आया। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 2700 के लेवल से, इस लेवल से 2680 के लेवल से जो है स्टॉक में आपको करेक्शन दिखाई नहीं। यहाँ पे स्टॉक जो है वन वे रैली किया है। तो इतने नीचे के लेवल से अगर स्टॉक अपने रेसिस्टेंस लेवल को हिट करेगा तो डेफिनेटली वहां पे सेलर्स जो है यहाँ पे ट्राई करेंगे डोमिनेट करने का। और इतने नीचे के लेवल से ब्रेकआउट करना और ब्रेकआउट को सस्टेन करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी भी ब्रेकआउट आपको सस्टेन तभी करता है अगर ये इस लेवल के अराउंड काफी टाइम स्पेंड कर दे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे तभी यहाँ पे जो है आपको एक ब्रेकआउट सस्टेन होगा। इतने नीचे के लेवल से जो है यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस लेवल पे बहुत से बायर ने भी आपको प्रॉफिट बुक किया होगा। 3500 एक रेसिस्टेंस लेवल है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी एक्टिवेट हुए होंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक जो है प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आपको एक निगेटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। आज भी यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 3400 के सपोर्ट लेवल पे जो है अभी स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है लेकिन 3400 के नीचे आज जाने का जरूर कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया। प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर रहा है। एक बार अगर यहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन कर जाएगा तो इस स्टॉक में जो है काफी अच्छा हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम लोग को वेट करना है। मैं क्लियरली वापस से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको वेट करना है 3396 के लेवल के नीचे। 3396 के लेवल के नीचे 5 मिनट का एक कैंडल को क्लोज होने दीजिए। 3396 के नीचे 5 मिनट के एक कैंडल को क्लोज होने दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे रहेगा 3410 का। तो ये इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की साइड टारगेट जो है वो हम लोगों का रहेगा
3380 का पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे अगर निकलता है तो 3360 का हम लोगों का दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको वेट करना है कैंडल क्लोज होने का। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन किसी भी स्टॉक में होता है तो फिर आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है अपने लेवल्स का। अगर आपके लेवल्स के पास आता है, एक अच्छा बुलिश या बेरिश सिग्नल देता है, तभी आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आपको इग्नोर कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो गया होगा, लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।